कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकते हैं समय से पहले भी हो जाए और आरती को मैं लड़ूंगा। तुम्हारे लोगों ने जो पसीना बहाया है, मेरे लिए बहाया है, मेरे साथ आरती ने जो बहाया है, मेरे लिए बहाया है, आपका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से छठी बार जीत का परचम लहराने के बाद राव इंद्रजीत सिंह की नजरें अब हरियाणा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर टिक गई हैं। जीत दर्ज करने के बाद राव साहब ने अपने रामपुरा स्थित आवास पर पहुंचकर जहां एक तरफ अपने समर्थकों को जीत की बधाई दी, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी कार्यकर्ताओं के दिल को टटोलने का काम किया गया। हालांकि इस मौके पर राव साहब ने यह तो स्पष्ट नहीं किया कि मुख्यमंत्री के लिए वह खुद दावेदार होंगे या फिर अपनी बेटी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का काम करेंगे, लेकिन अपने समर्थकों के सामने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि वह अब की बार अपनी बेटी आरती राव को चुनावी रण में उतारने का काम करेंगे, जिसके लिए बेटी आरती राव भी राजी हैं। मैं यूं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया तुमको पता चल जाएगा एक दिन में, दो दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फती सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रखना, अपनी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए और आरती को मैं लड़ाऊंगा। ये खुद भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूँ, मेरे से पूछे बिना कह दी पहले तो। अब मैं कह रहा हूँ इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना लड़ाई करे नहीं। हमारे को इस चीज का ये है, थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने दो बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा, गुड़गांव में ही होना था, इनके बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटा हुई इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ और गुड़गांव में क्यों, मुझे औरों का पता नहीं गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें राव इंद्रजीत सिंह के रामपुरा स्थित निवास की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि राव साहब अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कांग्रेस के राज बब्बर को 75,075 वोटों से पराजित करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उनको जीत की बधाई दे रही हैं। इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी उनके साथ मौजूद हैं, जहां पर कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत का जश्न मना रही हैं और राव साहब जहां एक तरफ लोकसभा चुनावों के दौरान उनसे रूठे लोगों को मनाने की बात कर रही हैं, वहीं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसका अधिकार हो उसका भी जिक्र कर रही हैं। राव साहब की इन बातों से ये तो जरूर स्पष्ट होता है कि राव साहब ने सीएम की कुर्सी की लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे मोटे तौर के ऊपर कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाह के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बना? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बावल से 23,000 वोट से जीत करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं रेवाड़ी से 38,000 वोट से जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये पटौदी से 40,000 जीत करके मैं नहीं लड़ सकता। ये चारों हल्के से 10-10, 15-15 हजार लड़ करके जटके नांगल चौधरी से लेकर के महेंद्र तक अगर हमारी जीत हुई है हल्के में, कितने की हुई है? थोड़े बहुत 15-20 हजार। यहाँ तो अब सिर्फ दो ही कैंडिडेट थे हमने सामने, कांग्रेस था और इंडिया था, ना ये जिन इंडिया था। आने वाले से भी तो चार जगह बैठेगी, चार जगह तो हमारा सारा इकट्ठा रहा तो बात बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर
ये सोचने की बात है, बाद में बात करूंगा। आज तो मैं आपका दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ना केवल बुजुर्ग बल्कि नौजवान लोगों ने जो पसीना बहाया है मेरे लिए बहाया है, मेरे साथ आरती ने जो बहाया है मैं आरती के लिए बहाया है, आपका मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने रामपुरा स्थित निवास से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार भले ही उनकी जीत कम वोटों से हुई हो लेकिन विधानसभा चुनावों में दक्षिण हरियाणा के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अगर राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोकते हैं तो क्या बीजेपी पार्टी के आलाकमान नेता इस बात पर सहमत हो पाएंगे या फिर राव साहब हरियाणा में किसी अन्य दल के साथ मिलकर इस पारी को खेलने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, रेवाड़ी। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।